मीठे चावल, चावल का जरदा बनकर बिल्कुल रेडी है। देख रहे होंगे बिल्कुल खिले खिले चावल बने हुए हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल स्पेशल सी रेसिपी लेकर के आए हैं, मीठे चावल, मीठे चावलों का जरदा। ये बहुत ही स्पेशल होता है, हर त्यौहार आदि में बनाया जाता है घरों घरों में, और बहुत ही लजीज इसका स्वाद होता है। और ख़ास तौर से बसंत पंचमी में जो में इस समय ज़रूर बनाते हैं और बनाना भी चाहिए। तो मैंने इसके लिए लिया हुआ है मीठे चावल, ये चावल लिए हुए हैं बासमती राइस, और ये तौल में देखा जाए तो 200 ग्राम है, एक बाउल चावल है, और अच्छे पानी से 3-4 बार धो लिया है और 5-7 मिनट हो गया है इसको भिगोए हुए। और साथ में मैंने जितना चावल लिया है उसकी ही आधी शक्कर ली हुई है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, थोड़ा सा मैंने स्पेशल इसको बनाऊंगी मैं तो मैंने 100 ग्राम के लगभग खोया लिया हुआ है और साथ में ही 50 ग्राम के आसपास मैदा लिया हुआ है। आइए इसको हम देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। चावलों को उबालने के लिए मैंने एक भारी पेंदी का बर्तन लिया हुआ है और इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है, और इसी उबलते पानी में मुंह खुला हुआ है इलायची का छोटी का, इसको डाल दूंगी, 2 इलायची डाल दूंगी, और एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का डालेंगे और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा 1 पिंच फूड कलर, इससे ऑरेंज कलर बहुत ही अच्छा आएगा। चावल इसकी जगह आप भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी, मगर बस इसी समय हम डाल देंगे वो ये जो चावल मैंने धो के रखे थे इन्हीं को डाल देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, हमको चावलों को इतना पकाना है कि 80% तक पक जाए और एक किनकी जो कहलाती है वो रह जाएगी। जब तक चावल उबल रहे हैं तब तक मैंने ये जो खोया लिया हुआ है, 100 ग्राम खोया है, इसमें मैं मिलाऊंगी 2 चम्मच मैदा और इसको हाथ से मसल के थोड़ा सा चिकना करके इसकी गोलियां बनाएंगे। इलायची पाउडर डाल दिया है और इस तरह से इसको मसल लेंगे और बिल्कुल इसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके डीप फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने छोटी छोटी गोलियां बना ली इसकी इस तरह से, और इसमें एक एक किशमिश ऐसे डाल करके और इसको अच्छा इस तरह से बंद कर देंगे और चिकने गोले बनाएंगे। बिल्कुल गोलियां देखिए चिकनी मैंने बनाई हुई हैं, इस तरह से सभी गोलियां चिकनी चिकनी बना लेंगे। देखिए गोलियां बना ली हैं और बहुत और बिल्कुल रसगुल्ले जैसे। अब मैं इनको कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और इसमें डाल दिया है तेल, और तेल हमारा गर्म भी हो गया है। अब हम इसको सनी आसानी से आ जाएंगी उतनी इस एक बार में तलेंगे, अभी चलाएंगे नहीं। बिल्कुल रसगुल्ले जैसे हमको धीमी आंच कर दी मैंने, और पूरे को चलाना नहीं है और बस धीरे धीरे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे, थोड़ा सा हिला देंगे, हिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा इसी तरह से तेल डालते जाएंगे। देखिए ब्राउन से हो गए हैं बिल्कुल गोलियाँ, अब हम इनको निकाल लेंगे। ब्राउन ब्राउन सबको सेक लिया है और जो बाकी के थे उनको भी इसी में उसी तरह से सेक लेंगे। देखिए ये जो बाकी बचे थे इनको भी हो गए हैं बिल्कुल ब्राउन ब्राउन से, इनको भी हम निकाल लेंगे। मीठे जर्दे में जब हम इनको चाशनी में डालते हैं तो इसी मीठे जर्दे में हर बाइट में जब ये आते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगते हैं। ये बिल्कुल आपका स्पेशल जर्दा बनेगा। इस हो गए हैं और मैं आपको हाथ से भी दिखा रही हूँ कि हमको कितने पके, तोड़ने पर आसानी से टूट रहे हैं और इसकी बस एक किनकी रह गई है, माने 80% चावल हमारे पक गए हैं। अब हम इनको गैस कर देंगे बंद और इसको एक में छान देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तक हम थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनको थोड़ा सा कलार लेंगे। इसके लिए मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया हुआ है, आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं और बहुत ही रखेंगे क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं, और बहुत अधिक नहीं भुनना है। सबसे पहले मैं डाल दूंगी इनमें काजू, कुछ काजू लिए हैं मैंने, 2-4 बादाम लिए हैं, किशमिश ली है, गरी के ऐसे लच्छे से बना लिए हैं चिप्स जैसा। आप इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं इसको, और कुछ स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं।
देखिए इसमें बहुत ही टेस्टी इसलिए बनेगा क्योंकि स्पेशल मैंने ये जो खोए की गोलियां डाली हैं ना, उसके कारण बहुत ही, जब हर बाइट में आएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और इस दूध बड़े डाले हैं और फिरनी डाली है, उसको भी दूध की बहुत ही यमी रेसिपी मैंने डाली हुई है, पर लिंक दिया हुआ है। देखिए काजू हमारे थोड़े से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसी में गरी के चिप्स और किशमिश, बादाम सब इसको इसी में डाल देंगे। और सारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको इसी में, जिसमें ये गोलियां निकाली थी इसी में निकाल रही हूँ। किशमिश बिल्कुल फूल के कुप्पा हो गई हैं। और इनको सबको देखिए इसी में, मैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने भुने थे उसी में अब मैं डाल दूँगी चावल। और ये जो दालचीनी का टुकड़ा है, जावित्री का टुकड़ा है, इलायची, तो इसमें छिलका निकाल के इसी में रहन देंगे और इसी को इसमें डाल देंगे। घी डाल सकते हैं, मैंने बहुत ही कम घी का यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो इस समय देसी घी को अच्छी और डाल सकते हैं। दूंगी मैं अब शक्कर, जितना मैंने चावल लिया था उसकी आधी मैंने शक्कर ली थी, तो इसी समय मैं डाल दूंगी शक्कर। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अधिक मीठा खाना तो थोड़ा ज़्यादा शक्कर कर देंगे। और गैस की फ्लेम को ध्यान रहे बिल्कुल स्लो में रखेंगे और धीमी आंच में इसको थोड़ा सा ढाँक देंगे ताकि शक्कर जो है वो पिघल जाए। और बीच बीच में बराबर चलाते रहेंगे। बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट करीब हो गए हैं। और देखिए इसकी चाशनी जैसे जो शक्कर डाली थी, बहुत ही कम घी, बहुत ही लिमिटेड। हर रेसिपी में आप देखते होंगे कि मेरी बिल्कुल जो भी तेल घी का बहुत ही लिमिटेड प्रयोग करती हूँ, आवश्यकता से अधिक बिल्कुल भी प्रयोग हमारी रेसिपी में नहीं रहता है। तो अब हम इसी समय डाल देंगे ये जो मैंने गोलियाँ सेकी थी खोए वाली, इससे इसका स्वाद बहुत ही यमी आता है देंगे, ताकि ये जो चाशनी है वो इसी में सब सोख लेंगे वो, और अच्छे मीठे मीठे हो जाएंगे। वो भी इसी समय डाल देंगे और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी इलायची का पाउडर। और इसको अभी 3-4 मिनट तक फिर से ढाकेंगे कि अच्छी तरह से ये पक जाए। इस समय देखिए आपको यहाँ पे नीचे मैं दिखा रही हूँ, थोड़ी चाशनी का पानी पानी सा दिख रहा है, इतना ही पानी होना चाहिए। यदि आपके चावल सूख गए हैं तो इस समय हम दूध के थोड़े से छींटे भी डाल सकते हैं ताकि पेंदी से चावल बिल्कुल भी जले नहीं। पकाएंगे, देखिए 5 मिनट लगभग हो गए हैं और ये देख रहे होंगे कि बिल्कुल बढ़िया चावल भी बिल्कुल पक के रेडी हो गए हैं। और जो मैंने खोए की गोलियां छोटी छोटी रसगुल्ली बनाकर डाली थी वो बिल्कुल शीरे में एब्जॉर्ब हो गई हैं और बिल्कुल चावल सूख सा गया है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी चाशनी नहीं है। बंद कर दिए, गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए मैं पास से भी दिखाती हूँ, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी है। और साथ में जो मैंने इसकी खोए की गोलियाँ डाली हैं ये बहुत ही स्पेशल है। हर जब हम खाएंगे इसकी तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं मीठे मीठे चावल के साथ में। ये आप किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं, बसंत पंचमी में तो स्पेशल है, बनता ही है। और इसके अलावा भी ईद, बकरीद कभी भी इसका इंजॉय किया जा सकता है। और घर में जब आपका मीठा खाने का मन हो तो ये बहुत ही फटाफट बन जाते हैं, तो इसको खा करके इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मीठा चावल, चावल का जर्दा बनकर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको बिल्कुल स्पेशल तरीके से बनाया है, मैंने खोए की गोलियां भी डाली हैं, तो इससे इसका स्वाद और अधिक दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर आपके आंसर का हमको इंतज़ार रहेगा।